धौलपुर के बाड़ी में खुली प्रशासन शहरोत्संग अभियान की पोल कैंप में खाली मिली कुर्सियां, नहीं पहुंचे गहलोत के अधिकारी। अभियान के नाम पर चल रही है महज खाना पूर्ति। सरकार के आदेश शिव टेंट लगाने तक ही है सीमित। हथियारपुर के वार्ड नंबर 22 पर खाली मिली कुर्सियां। जिस अभियान पर अशोक गहलोत को गर्व, अब वहां महज औपचारिकता ही बाकी रह गई है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं धौलपुर से, जहां शहरोत्संग अभियान के दौरान राजस्थान सरकार के आदेश की पोल खुल गई है। कैंप में खाली कुर्सियां मिली, जहां गहलोत के एक भी अधिकारी नहीं पहुंचे। अभियान के नाम पर चल रही है महज खाना पूर्ति। सरकार के आदेश को अधिकारी कर रहे हैं दरकिनार। हथियारपुर वार्ड नंबर 22 में खाली मिली है कुर्सियां। जिस अभियान पर अशोक गहलोत करते हैं गर्व, उस अभियान को लेकर सरकार अब घिर गई है। और धौलपुर के बाड़ी से बड़ी तस्वीर देखने को मिली है, जहां शहरोत्संग अभियान के दौरान अधिकारियों के कुर्सी खाली मिली और जनता दिखी परेशान। बड़ी खबर इस वक्त की धौलपुर से। हाँ, मेरा नाम उमेश शर्मा, मैं पट्टा लेने के लिए आया हूँ यहाँ हथियापुर स्कूल में। तो कल मैं आया था तो ये कैशियर वगैरह ने रसीद वगैरह, कैशियर तो था ही नहीं था, क्योंकि कल आएगा 1000 रुपये दे गया हूँ, लेकिन अभी तक तो पट्टा नहीं मिला है। आज भी आया हूँ, अब भी कोई कर्मचारी नहीं है, केवल 2 कैंडिडेट बैठे हैं यहाँ पर, कोई नहीं मिला है। यहाँ बैठा हूँ पट्टे के उससे पट्टा लेने के बाबत। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? मुझे आए 2 घंटे भर हो गया, 1 घंटे भर पहले आया हूँ। तो जब आप 1 घंटे पहले आए तो आपको कौन मिला था यहाँ पे? कोई कैंडिडेट, एक कैंडिडेट मिले थे बस।